जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सारे भाइयों को मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो भाई, मेरे को कल एक भाई ने कमेंट में पूछे थे, राजेश कुमार मध्य प्रदेश से, बोले सर क्या एसएससी जीडी का तो भर्ती निकलेगा पर सीआरपीएफ ट्रेडमैन का भर्ती नहीं निकलेगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन का नहीं निकलेगा, यदि सर निकलेगा तो कितना मार्क मेरिट में रखने से मेरिट में नाम आ जाएगा। तो ये बात मेरे को पूछे थे, तो उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ उनके लिए नहीं, ये सारे भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। आपका जो है ट्रेड्समैन की कितनी मेरिट जा रहा है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी जानना जरूरी है, ठीक है। अब जो पिछले बार जो एग्ज़ाम गया था 2017-16 का जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती और 2019 की बीएसएफ की ट्रेडमैन की भर्ती, उसकी बारे में आप मेरिट में कितना कट ऑफ मार्क गया था उसकी बारे में हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आज ये दो डिपार्टमेंट का बात बोलने के कारण आप सोच रहे यार सीआरपीएफ बीएसएफ का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक रीज़न है, सीआरपीएफ बीएसएफ का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीआरपीएफ की जो वैकेंसी निकला था वो निकला था स्टेट वाइज, जैसे एसएससी जीडी स्टेट वाइज वैकेंसी निकाल के स्टेट वाइज अपना मेरिट बनाता है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ऐसे निकाला था। पर बीएसएफ जो ट्रेडमैन निकाला था वो ऑल इंडिया, टोटल ऑल इंडिया में इसका मेरिट बनता था, ठीक है, इसमें कोई स्टेट वाइज नहीं था, ठीक है। तो इसलिए बीएसएफ का मेरिट लिस्ट कितना गया था और सीआरपीएफ का मेरिट लिस्ट कितना गया था उसकी हम एनालाइज करेंगे और इसकी वैकेंसी कब आएगा और वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा आएगा, लास्ट तक देखिए ना। यदि कोई भाई आप लोग यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से ही आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन दबा लेना, बेल आइकन जो दबाने से पहले मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरे भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ट्रेडमैन की जो आप लोग का जो मेरिट की कट ऑफ सिलेक्शन होता है वो सिर्फ रिटर्न की कट ऑफ से ही होता है, ठीक है दोस्तों। ट्रेड की मार्क बिल्कुल जुड़ता नहीं है मेरिट में, बिल्कुल ट्रेड की मार्क जुड़ता नहीं है। ट्रेड टेस्ट की जो 50 मार्क का होता है उसका बिल्कुल नहीं जुड़ता है, सिर्फ जो 100 मार्क का होता है रिटर्न टेस्ट उसी का ही आप लोग का मार्क जुड़ता है। उसमें से जो लड़का सबसे ज़्यादा मार्क रखता है उसी को ही मेरिट में सिलेक्शन मिलता है, जैसे आप लोग का एसएससी जीडी के तरह। बाकी जो रनिंग वगैरह में कुछ भी मार्क आप लोग का नहीं रहेगा आपका ट्रेडमैन की रिक्रूटमेंट पे। फाइनल मेरिट में आने के लिए आपको रिटर्न से सबसे ज़्यादा मार्क रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनल मेरिट में बीएसएफ की ट्रेडमैन जो 2019 रिक्रूटमेंट में कितना कट ऑफ गया था और किस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था उसके बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ जो बीएसएफ की 2019 की ट्रेडमैन की था कुछ ऐसे ही वैकेंसी था, 1763 पोस्ट। तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ दोस्तों किसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा था, कौन सी ट्रेड की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वेटर ट्रेड की सबसे कट ऑफ मार्क गया था, ठीक है दोस्तों। जनरल 94, एससी 91, एसटी 88 और ओबीसी 94 जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ मार्क बीएसएफ की गया था वेटर की। पिछले साल बीएसएफ की ट्रेडमैन की भर्ती में कुक, वाटर कैरियर और वाशरमैन स्वीपर में सबसे ज़्यादा फॉर्म डाला गया था, तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी गया था, इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में लड़के अटेंड किए थे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ स्वीपर की गया था, इसके बाद वाशरमैन, वाटर कैरियर, कुक की थोड़ा कम गया था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे ज़्यादा लड़के जो है बार्बर और टेलर कोबलर ट्रेड टेस्ट में बहुत लड़के पिछले बार फेल हुए थे जो कि बीएसएफ की ट्रेड भर्ती में, तो ट्रेड टेस्ट में बहुत लड़के ट्रेड में फेल हुए थे, तो ऐसे भी बार्बर और टेलर कोबलर की थोड़ा कट ऑफ मार्क कम गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम होता है वो होता है कंबाइंड एग्ज़ाम। कंबाइंड एग्ज़ाम में क्या होता है भाई, उसमें यदि आप लोग मार्क रखते हो सबसे ज़्यादा तो सीआईएसएफ मिल जाता है, उसके बाद बीएसएफ मिल जाता है, आईटीपी मिलता है, मार्क के हिसाब से मिल जाता है। पर ऐसे जो ट्रेडमैन की भर्ती में ऐसे नहीं होता है, आप जिस ट्रेड को आप अप्लाई किए हो फॉर्म में उसी ट्रेड में आपका मेरिट बनेगा। सपोज आपका कुक का सपोज आपका गया है कट ऑफ मार्क 90 मार्क, ठीक है, और आपका मार्क है 89, ठीक है, तो कुक में आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
सपोज आपका वाटर कैरियर रह गया है 88 कट ऑफ, तो आपका हो जाना चाहिए वाटर कैरियर में सिलेक्शन, पर आपका वाटर कैरियर में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप जिस ट्रेड में अप्लाई किए हो उसी ट्रेड में आप लोग का मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ भाई ने मैं दिखाऊँ सीआरपीएफ पैरामेडिकल में दिखाऊँ, बहुत सारे भाइयों ने तीन तीन ट्रेड में फॉर्म डाले क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म था, तो जिस टाइम उनका वेरिफिकेशन होगा उन सबको रिजेक्ट लिस्ट भेज दिया जाएगा 100%, क्योंकि वो तीन तीन ट्रेड में एग्जाम दे रहे हो भाई। जो आदमी को आता है ट्रेड, एक ट्रेड को काम आता है, तो पांच छह प्रकार का तो काम नहीं आता है, मतलब कागज के हिसाब से ऐसे तो सबको काम आता है, पर कागज के हिसाब से कुछ आदमी को एक ही ट्रेड में अप्लाई कर सकता है रूल के हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो उन लोग को रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी दोस्तों जानते हैं सीआरपीएफ का जो 2016 रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा मार गया था, और आप लोग को ये बताना चाहता हूँ सीआरपीएफ की जो ट्रेडमैन निकलता है वो स्टेट वाइज निकलता है, ठीक है। स्टेट वाइज निकलने से आप लोग को फायदा क्या हो जाता है दोस्तों, आपका स्टेट में आप लोग का मेरिट बनेगा, जैसे आप लोग का SSGD बनता है, ठीक है। स्टेट वाइज वैकेंसी स्टेट वाइज बनेगा, सीआरपीएफ ऐसे निकलता है, जिसके वजह से कुछ स्टेट में आप लोग को कम मार्क में आप सिलेक्शन हो सकते हो सीआरपीएफ में ट्रेडमैन में, पर कुछ स्टेट में मार्क ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये जान लो भी कुछ ट्रेड में सीआरपीएफ में भी कम मार्क भी जाता है। चलिए दोस्तों सीआरपीएफ का हम डिस्कशन कर लेते हैं, वीडियो देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। यदि कुछ भाई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जैसी स्टेटों में ट्रेडमैन की बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। 50-60 मार्क में भी और 40 मार्क में भी इनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरा बात है दोस्तों, हमारा जो है हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, इन जैसी स्टेटों में ट्रेड की मार्क बहुत जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसके ज़्यादा थोड़ा थोड़ा मार्क जाता है, जैसे 60-70 बीच का मार्क जाता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ना कम, वो जाता है उड़ीसा, झारखंड, अपना छत्तीसगढ़ और अपना असम, ये सारे स्टेटों में थोड़ा थोड़ा मार्क जाता है, ज़्यादा नहीं भी यही जाता है। तो दोस्तों सबसे कौन सी स्टेट में सीआरपीएफ में ज़्यादा मार्क जाता है, तो दोस्तों सबसे ये जान लो सबसे ज़्यादा मार्क जाता है हमारा सीआरपीएफ में कुक की, वाटर कैरियर की, वाशरमैन की और सफाई कर्मचारी, इस ट्रेडों में सारे लड़कों ने फॉर्म डाल देते हैं, ठीक है। और सबसे कम किसकी जाती है, सबसे कम जाते हैं कांस्टेबल MMV, मोटर मैकेनिक व्हीकल, जो कि मोटर मैकेनिक व्हीकल और ड्राइवर का, इन दो पोस्ट का सबसे कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि इसमें कम कट ऑफ जाता है भाई, इसमें दोस्तों टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, MMB में IT होना चाहिए, जिसके वजह से बहुत सारे लड़कों ने जो है अपना गैरेज जो क्या बोलते हैं वो गाड़ी मोटर मैकेनिक का ITI नहीं करते हैं, व्हीकल मोटर का जो मैकेनिक है उसका ITI नहीं करते हैं, लड़के जो इंडस्ट्रियल फिटर ITI है उसको करके बैठ जाते हैं, जिसके वजह से उनको कैंसिल कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट चेक में, जो जिसके वजह से मैं कई बार देखा हूँ MMB का जो है कई बार पोस्ट वैकेंसी बच जाता है, मेरे टाइम में उल रहा हूँ MMB का वैकेंसी बच गया था, 14 पोस्ट में एक ही लड़का सिलेक्शन हुआ था। तो ड्राइवर भी वही है, ड्राइवर भी मेरे टाइम 24 पोस्ट था उसमें से 10 वैकेंसी पड़ गया था, तो ड्राइवर और MMB का सबसे कम कट ऑफ पास हो गया भी नाम आ जाता है, चाहे कोई भी स्टेट हो, ठीक है। दूसरा बात है दोस्तों, और कौन किसकी मार्क में सबसे ज़्यादा जाता है दोस्तों, हमारा CRPF में टेलर, कोबलर, बिगुलर, बैंड में भी मार्क ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो सबसे कम मार्क इसमें जाता है ड्राइवर की और मोटर मैकेनिक व्हीकल, जो मोटर मैकेनिक होता है उसकी वैकेंसी में सबसे कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो आप जान लिए कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा मार्क जाता है। तो ड्राइवर की वैकेंसी में बोल रहा हूँ दोस्तों, 2017 में राजस्थान में, मेरे दोस्त कहीं सारे ये राजस्थान में भी आप यकीन नहीं करोगे, 62-63 मार्क रख के जनरल वालों ने और OBC वालों ने 70-65 ऐसे कुछ कम मार्क रख के भी ड्राइवर में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। और कांस्टेबल MMB जो मोटर मैकेनिक व्हीकल में 60-60 मार्क रख के भी उनका सिलेक्शन हुआ है, राजस्थान हरियाणा जिस जगह में इतना कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए, यदि आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊँगा, और कुक वाटर कैरियर उसमें कैसे आप लोग आराम से परफॉर्म करके आराम से नौकरी पा सके उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए,
यदि कोई भाई नया देख रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, यदि सब्सक्राइब करेंगे अब बेल आइकन दबा लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।